और अब आपको बताते हैं कैसी अमेरिकन महिला की कहानी जो आज दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। दरअसल पर्यटन नगरी धर्मशाला में आवारा पशुओं की दयनीय हालत देखकर एक अमेरिकी मूल की महिला ने इन्हें बचाने का बीड़ा उठाया है। आवारा पशुओं को लेकर शहर की सड़कों पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन आवारा पशुओं को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, इसके बारे में लोग शायद ही सोचते होंगे। पर्यटन नगरी धर्मशाला की सड़कों और गलियों में अमेरिकी महिला उनके लिए फरिश्ता बनकर पहुंची है। भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ उन्होंने आवारा पशुओं के जख्मों पर मरहम लगाने का काम शुरू किया है। स्नेक और सेवा भाव की मुहिम में स्थानीय लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। जख्मी आवारा पशुओं का इलाज, प्रसव पीड़ा से जूझने वाली गायों को अस्पताल पहुंचाना उनका रोजमर्रा का काम है। So the idea behind the cow dung pots is to help farmers who want to keep their cows after they stop producing milk. They can still keep them on by supplementing their income with the cow dung pots. So they can sell those for 15 rupees a piece, and that helps offset the cost of the cow. So if they do want to keep them, they can. दरअसल पशु आवारा नहीं होते, लेकिन इंसान जब उसे त्याग देता है तो उसे अपना पेट पालने के लिए गली सड़कों पर घूमना पड़ता है। किसान के साथ साथ आम लोगों को ये बात समझनी होगी, जिसके बाद ना पशु आवारा होंगे और उनका मुश्किल जीवन भी आसान हो जाएगा। धर्मशाला से एस गोपालपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।